है। अब वो विनेश का प्रस्तुत हुआ, राजदूत प्रस्तुत हुआ, मुनाफिकी मसलतों को बयान किया गया, और उसके अलावा कुरान मुकद्दस की आयतों के बारे में बताया गया। ये कुरान मुकद्दस जो है, ये किताब जो है, ये ऐसी किताब नहीं है। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अगर कोई शख्स जिसे कलाम बशर मानता है, इंसानी कलाम मानता है, तो उनके मुकाबले में कोई मिसाल पेश करे, कोई हाय अल्लाह है, कोई सूरत अल्लाह है, अगर मानता है। उसके बाद दूसरी बात बता दूं, ये पूरा पूरा 6666 आयतें, मैंने बताया ना पूरे कुरान में 500 आयतें ऐसी हैं जिनसे शरीयत के मसाइल का इस्तेखराज होता है, निकलते हैं। और बहुत सी आयतें ऐसी हैं जिनमें जो हमसे पहली कौमें गुजरी हैं, उन कौमों के किस्सों को बयान किया गया है, ताकि हम जो है इस बात को समझें, हम अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र करें। तो कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें बशारत भी दी गई है। बशारत बोलते हैं खुशखबरी, जिस खबर से इंसान की रूह बेदाग हो जाती है, इंसान खुश हो जाता है, उसको तो बोलते हैं बशारत, खुशखबरी। एक होता है सुखद समाचार और एक होता है दुखद समाचार। तो ये सुखद समाचार और दुखद समाचार को अलग, ये बचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशीर बनाकर नहीं भेजा गया। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये सिर्फ बशारत देने वाला या खुशखबरी देने ही वाला बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि डराने वाला भी बनाकर भेजा गया। जहन्नम से डराने वाले, अजाब से डराने वाले, अजाब कब्र से डराने वाले, बरज़ख के हालात से डराने वाले, कयामत की जो है सख्तियों से डराने वाले, गुनाहों से डराने वाले, अल्लाह के हुजूर हाजिर होने के बारे में बताने वाले, इन तमाम चीजों के बारे में। तो इस कुरान में बशारत का भी जिक्र किया गया है, इंतजार का भी जिक्र किया गया है, तरहीब भी दी गई है, करहीब भी दी गई है, डराया भी गया है और बशारत भी दी गई है। यहाँ पर मोमिनीन की रिपोर्ट बशारत इसलिए मोमिनीन के लिए है कि काफिरों के लिए कोई बशारत नहीं, मुनाफिकीन के लिए कोई बशारत नहीं। ये जो हालात बयान किए जा रहे हैं, वो हालात आलम आखिरत के हालात, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अस्तीनो अद्दुनिया सिजदुन लिलमुमिन। ये दुनिया मोमिन के लिए हायर खाना है, वह जन्नतुल लिल काफिर, और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, इसके बाद उसकी कोई दुनिया नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर मुझे मोमिन की, किसी भी मोमिन की दिल से किसी का ख्याल ना होगा, तो मैं गैर मुस्लिमों को इतनी दौलत देता, इतनी दौलत देता कि उनकी सीढ़ियां भी सोने की। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया यहीं तक महदूद है, उनके आने वाले जो दुनिया है आलमी बरकत की जो शुरुआत जो होती है, आलमी बरकत की शुरुआत कब से होती है, इसलिए उसके बाद की दुनिया उसके लिए जो है बशारत वाली दुनिया नहीं, सिर्फ उसमें अजाब भी अजाब है। तो ये जो बशारत दी जा रही है वो सिर्फ मोमिनों को दी जा रहा है, इसलिए कि अहले ईमान का ही तकाजा है, ईमान वालों का ही तकाजा है कि बशारत, इसलिए दुनिया में उन्होंने जो है इतनी सख्तियां झेली है, ईमानदार है, और उसके साथ साथ नेक अमल किया है, अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की मसूदियत और उसकी माबूदियत का एतराज किया है, लिहाजा अब उनको बशारत मिल जाए। वह शेर नदीना आमनू,
وعملوا صالحا ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، اور خوشخبری دے انہیں، اللہ رسول سے خطاب کیا جا رہا ہے، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے، خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائی اور اچھے کام ہوئی، یہ ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں رواں، یعنی نہریں بہہ رہی، ایسا باغ جو خشک ہو اس کی طرف لوگوں کا دماغ یعنی مائی نہیں، وہ باغ آدمی جو ہے، یہ جو جتنے بھی ہے کیا بولا جو ہوتے ہیں ٹاپو جو ہوتے ہیں ان ٹاپوؤں میں کیوں جاتا ہے، اس ٹاپو میں جانے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، بیچ میں بعد آزو بازو نہرے، یہ بہترین طریقے سے اس کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ دل کشش ہوتا ہے، وہ دلوں کو کھینچنے والا نظارہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس باغ کی خوبصورت پیدا ہوتی ہے جس باغ میں تمام پھل پھول کے درخت وغیرہ ہوں، پھل پھول کے درخت ہو لیکن ساتھ ساتھ نہریں بھی بہتی، نہریں جو بہنے والی ہے وہ نہریں اس باغ کو اور زیادہ، دوسری بات ایمان کا ذکر کیا گیا، کیا فرمایا گیا، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری تو انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل، ایمان کے ساتھ نیک عمل، سمجھے گا، ایمان سے صرف معاملہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ نیک عمل بھی ہونا لازم و ضروری ہے، کیوں نیک عمل ہونا ہے، اس لیے کہ ایمان کو نورانیت اور ایمان کو جو بالغی دیتی ہے وہ ہے نیک عمل، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمین کو معصوم پیدا کیا، کوئی گناہ نہیں ہے، اور رسول کریم کے ساتھ تو وہ ساتھ ہے جنہیں اللہ نے جنت نہیں دیا بلکہ مالک جنت بنا کر پیسہ، اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ چاہیے تھا کہ عبادت نہیں کرتے، لوگوں کو ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلا عبادت نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، اور کیسے، حدیث پاک میں فرمایا گیا نوم رمن ارما، یہاں تک کی اتنی عبادت کی کہ آپ کے دونوں قدموں میں سوجن پڑ جاتے تھے، پھول جاتے تھے آپ کے، دوسری جگہ فرمایا گیا تشکر کرما، یہاں تک کہ ایسے قیام کیا کرتے تھے، ایسا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدم سے خون ریزنے لگتا تھا، ایسی عبادت ہوئی جا سکتا ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون شخص عبادت کر رہا ہے، کوئی عام انسان عبادت نہیں کر رہا ہے، اللہ کا محبوب عبادت، عبادت جس کی ذات کی نام رکھتی ہے وہ عبادت کرتا ہے، کوئی گناہ گار اپنے بات، اگر عبادت ضروری نہیں ہوتی ایمان کے لیے تو اللہ کا فضل ہے، پروردگار عالم ایمان والوں کو بغیر عبادت کے وجہ سے نہیں، وہ اس کی شان کرمی شان رحیمی ہے، لیکن عمل صالح کر کے اور عمل صالح بھیج کر یہ بتا دیا گیا، سنو اگرچہ وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشے گا، خلود کی نار نہیں ہے مومن کے لیے، لیکن سکون کتنا ہوتا ہے، تب تو فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کوئی چیز پوچھی جائے گی تو نماز، اولی مسلم سے نماز ہوا، روز محشر کے جان اداس ہوا، اولی مسلم سے نماز ہوا کہ محشر کے دن میں سب سے پہلی چیز پوچھی جائے گی وہ برزخ میں نہیں، عالم برزخ کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، آپ بولیں گے کے جی میں بھی وہی سوال کیا جائے، ایل کے جی میں بھی وہی سوال کیا جائے، فرسٹ کلاس میں بھی وہی سوال پوچھا جائے، سیکنڈ کلاس میں بھی اسٹینڈرڈ کے سوال سے سوال پوچھا جاتا ہے، عالم برزخ کی ابتدا ہو رہی ہے یہاں سے،
जो अनकन्फर्मेशन होना चाहिए। हालांकि फरिश्ते तो जानते हैं, अल्लाह भी जानता है कि बेशक ये मोमिन है, लेकिन उसके बावजूद कंफर्म किया जा रहा है क्या कब्र में मन रखता है? सवाल पूछा जा रहा है, तेरा रख कौन है? माँ भी नौका, तेरा सीन क्या? माँ कुंत तकुलो फिसान आसा बजुर, तू शख्स के बारे में क्या कहता था, निशान में क्या कहता था? अमल के बारे में पूछा गया, अमल के बारे में बोले ये एलकेजी है, ये यूकेजी है, ये केजी है, ये फर्स्ट क्लास है, आपको आगे तरक्की करना है। जब मैदान कयामत में जाओगे तो मैदान कयामत पे जाने के बाद पूछा जाएगा अमल के बारे में, ईमान का तो मामला हो गया। इसी तीन जवाब की बुनियाद पर अल्लाह ताला फरमाएगा वहां अमल दे, अल्लाह ताला फरमाएगा कि जन्नत की बिल्डिंगों को खोले, ये तीन जवाब अमल की जाता है। हाँ, अब उस पर आजाद होगा, तमसीली आजाद जो दिया जाएगा उसके आमाल। लेकिन कोई सवाल अमल से आया तो एटिकल के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ थ्योरी के बारे में पूछा गया। मन का माँ दिनों का ये रिश्ता, माँ को तकड़ों के निशाने हाथ रखो, ये ईमान का। अब जब मैदान अमल में जाओगे तो ये तो मैदान बरसक का मामला, कबर का मामला, बरसक की शुरुआत मैदान अमल में जाओगे तो आप ना जाएगा अमल क्या है तुम्हारे पास, नमाज पढ़ी तुमने, लाओ अपना अमल में, फिर वहां तराजू लगाया जाए, मिजान वहां पर कायम किया जाएगा, कब्र में मिजान कायम नहीं किया जाएगा, पहली मंजिल मिजान वहां कायम किया जाएगा। सबसे ज्यादा सख्त कोर्स वहां लगाया जाएगा जहां पर जो है बोर्ड परीक्षा होगा, ऐसे सामान्य परीक्षा है, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है? और आज यहाँ से शुरुआत होगी। हाँ, यह एहसास है ना कि ईमान बुनियाद है और अमल बिल्डिंग है, ईमान फाउंडेशन है और अमल बिल्डिंग है। आप खुद ही बताइए, अगर बुनियाद है, सिर्फ बुनियाद बना दिया है, कोई सुनी नहीं आए बुनियाद, जब तक के अमल की बिल्डिंग ना बना दिया जाए तब ना, इतना बढ़िया महल बनाया है यार, बुनियाद को नहीं देख, बुनियाद को देख क्यों? बुनियाद के ऊपर बिल्डिंग कामिंग करना है, बुनियाद पुख्ता कर लो, और उसके बाद बुनियाद पुख्ता करने के बाद नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एहसास तुम्हारा फाउंडेशन हो जाए तो उस पर अमन की बिल्डिंग तैयार करो, ताकि जो है वो खूबसूरती आ जाए। जो ईमान के बाद अमल, ये दोनों ईमान, अमल जो है ये ईमान की नूर को बढ़ाता है, रोशनी को बढ़ाता है। तो है भगत सिंह, हम एक आयत में बोलना शुरू करेंगे तो झूठ कर लग जाता है। अभी तक भगत सिंह वहां और खुशखबरी दे उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अन्न लहुम जन्नाति के उनके लिए बाग है। जन्नत का मतलब है बाग, जन्नत को जन्नत इसलिए पूछते हैं देखो, जन्नत जुगनों से बना, जन्नत को यहाँ पर बैठ के देखा है क्या? आपकी नजरों से पोशीदा है जन्नत, ये तो किसी ने देखा? आपकी नजरों से पोशीदा इसमें जिन है, जनीन कहते हैं, जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसको बोला जाता है जनीन, जो हमारी नजरों से गायब होता है इसलिए जनीन कहते हैं, मजनू बोलते हैं, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा होता है, आंखों को मजबूत कर दिया जाता है, मजनून का है ये है जन्नत। जन्नत इसलिए बोला जाता है कि आदमी के नजरों से गायब है वो सीधा, ऐसा नहीं है। क्या फरमाएगा? अन्न जन्ना, इसका मतलब हुआ तो एक जन्नत नहीं है बल्कि कितनी जन्नत है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं 8 से 22, 8 जन्नत, और 8 जन्नतों में इंसान अमल के एतबार से रहे, अमल के एतबार फरमाया गया। दुआ करो अपने भाई के लिए, अल्लाह ताला उस शख्स की मदद में रहता है, जब किस शख्स की, उस शख्स की मदद में रहता है जो अपने भाई की मदद में रहता है। दुआ करो अपने भाई के लिए, अपने भाई की बख्शीश के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला जन्नत
नहीं चंद्रनंदन फिरदौस में आला बता विद्वत वो आठ जन्नत का जिक्र किया गया इसी बार फरमाया गया अन्ना तो उनके लिए जो है उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरे रवा, ठीक है बाग हैं जिनके लिए। अब उनके आमाल के जवाब नबी है, नबी का अमल, नबी के अमल को आम इंसान बोल नहीं सकता, नहीं बोल सकता, उनके अमल के बाद उनके क्या बोलते मर्तबा के बाद है ना, एक क्लास है, थ्री टीयर है, फर्स्ट टीयर है, जो जो भी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ये मामला है। वो लमा रोज को मेरा आमिन समाज का रिज़ का आलू आज़म नबी रिज़ का मिन हर बाउल को भी नहीं बोलता था यहाँ कुल लमा रोज को मेरा, जब उन्हें इन बागों की कोई फल खाने को दिया जाएगा तो सामने फल पेश किया जाए, वहां पर बेहतरीन तरह से मेहमानी होगी, जब कोई थोड़ा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कोई फल दिया जाएगा, अरे ये कोई फल है जो हम दुनिया में खाते थे, सिर्फ शक्ल वो रहेगी, शक्ल वो रहेगी, बादाम दिया जाएगा बादाम की शक्ल रहेगी दुनियावी एतबार, मजा है वरना जो अगर ऐसे फल दी गए जिसको हम जानते नहीं ऐसे फल नहीं खाते, वो ड्रैगन पहले पहले आया था लोग डरते थे नहीं खाते यार, अजीब टाइप का दिख रहा है बोलते थे, ड्रैगन वाला फल जो आता है पहले पहले जब आया था उसको देख कर अभी अभी तो आया है, तो मेरा फल को देख के आदमी डरता बहन से भाई पैसा को पता नहीं क्या है क्या नहीं, बाद में जब लोग खाना शुरू करे पहचानना शुरू करे तब उसको खरीदना शुरू, तो हम देखेंगे ये फल तो अधिक से अधिक दिख रहा है नहीं खाते भाई रहन मालूम फल है हम तो जानते ही नहीं फल, लेकिन वो चीजें जिसको हमने दुनिया में देख लिया है वो चीजों को पेश किया जाएगा, फौरन बोलेगा बादाम है भैया ये तो काजू है, लेकिन बादाम और काजू की सिर्फ शक्लें रहेंगी, दुनियावी मजा वो मजा नहीं रहेगा जो दुनिया में मजा है, बल्कि उस मजे में और अल्लाह ताला इजाफा करेगा, इस बारे में और बात नहीं करते मैं बहुत ज्यादा बातें हुआ तो बाल सदा अपना आगा बनता لا إله إلا الله.